लिनक्स फाइल एट्रिब्यूट्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको पहले से ही निम्न खाली फाइलों को बनाना होगा। Example1, Example2, Example3, Example4, Example5 और Test1। कृपया इन डायरेक्टरीज को भी बनाएं। Test_1 और Directory1। फाइल एट्रिब्यूट एक मेटाडेटा है जो वर्णन करता है या एक कंप्यूटर फाइल के साथ जुड़ा हुआ है। फाइल एट्रिब्यूट फाइल के ओनर, फाइल के प्रकार यानी टाइप्स, उपयोग अनुमतियां आदि विशेषताओं का वर्णन करता है। chown कमांड का इस्तेमाल फाइल या डायरेक्टरी के ओनर को बदलने के लिए करते हैं। यह एक एडमिन कमांड अर्थात व्यवस्थापक आदेश है जिससे केवल रूट यूजर ही फाइल या डायरेक्टरी के ओनर को बदल सकता है। chown कमांड का सिंटैक्स इस प्रकार है: chown space options space owner name space file name या directory name। हम chown कमांड के साथ निम्न विकल्प दे सकते हैं: -r डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरीज की फाइल्स की अनुमति को बदलने के लिए जहां आप फिलहाल हैं, -e प्रत्येक फाइल की अनुमति को बदलने के लिए तथा -f chown को एरर मैसेज प्रदर्शित करने से रोकता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। टर्मिनल पर जाते हैं। अब हम उस डायरेक्टरी पर जाएंगे जहां हमने खाली फाइल्स तथा फोल्डर्स बनाए थे। इसके लिए सीडी स्पेस डेस्कटॉप स्लैश फाइल एट्रिब्यूट और एंटर प्रेस करें। अब यह कमांड टाइप करें: ls स्पेस -l स्पेस testchown और एंटर प्रेस करें। यहां आप देख सकते हैं कि शाहिद फाइल testchown का ओनर है। फाइल के ओनर को बदलने के लिए यह कमांड टाइप करें: sudo स्पेस chown स्पेस anusha स्पेस testchown और एंटर प्रेस करें। sudo पासवर्ड एंटर करें और फिर से एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस testchown और एंटर प्रेस करें। यहां हम देख सकते हैं फाइल की नई ओनर अनुषा है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टरी के ओनर को कैसे बदलते हैं। यह कमांड टाइप करें: ls स्पेस -l और एंटर प्रेस करें। यहां हम देख सकते हैं कि शाहिद test_chown डायरेक्टरी का ओनर है। डायरेक्टरी के ओनर को बदलने के लिए यह कमांड टाइप करें: sudo स्पेस chown स्पेस -R स्पेस anusha स्पेस test_chown जो कि डायरेक्टरी का नाम है और एंटर प्रेस करें। यदि जरूरत हो तो sudo पासवर्ड एंटर करें और फिर से एंटर प्रेस करें। हमारी सहूलियत के लिए मैं कंट्रोल L प्रेस करके स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। अब टाइप करें ls स्पेस -l और एंटर प्रेस करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरी की नई ओनर अनुषा है। स्लाइड पर जाएं। chmod कमांड का प्रयोग एक से अधिक फाइल्स का उपयोग यानी एक्सेस मोड या अनुमति को बदलने के लिए करते हैं। chmod कमांड का सिंटैक्स इस प्रकार है: chmod स्पेस options स्पेस mode स्पेस file names। हम chmod कमांड के साथ निम्न विकल्प दे सकते हैं: -c बदली हुई फाइल्स की जानकारी को प्रिंट करने के लिए, -f chmod जिन फाइल्स को नहीं बदल सकता उनकी सूचना यूजर को न देने के लिए। निम्न प्रकार के एक्सेस अर्थात अनुमतियां हैं: r यानी रीड अर्थात पढ़ना, w राइट के लिए अर्थात लिखना, x एग्जीक्यूट अर्थात निष्पादित करना, s यूजर या ग्रुप की आईडी को सेट करना,
वैकल्पिक रूप से हम तीन अंकों के अष्टाधारी संख्या यानी 3-digit octal number से अनुमतियां निर्दिष्ट कर सकते हैं। पहला अंक ओनर की अनुमति के लिए, समूह की अनुमति के लिए दूसरा अंक और तीसरा अंक दूसरों को अनुमति के लिए। अनुमति की गणना निम्नलिखित अष्टाधारी मूल्यों को जोड़कर किया जाता है। 4 रीड के लिए, 2 राइट के लिए, 1 एग्जीक्यूट के लिए। अब हम चमोड़ के कुछ उदाहरण देखेंगे। टर्मिनल पर जाकर एग्जीक्यूट बाय यूजर अनुमति को फाइल एग्जांपल 1 में जोड़ते हैं। मैं पहले कंट्रोल एल से स्क्रीन को क्लियर करती हूं। अब टाइप करें चमोड़ स्पेस u+x स्पेस एग्जांपल 1 और एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस एग्जांपल 1 और बदलावों को देखने के लिए एंटर प्रेस करें। ओनर द्वारा रीड राइट एग्जीक्यूट अनुमति, ग्रुप द्वारा रीड एग्जीक्यूट अनुमति और दूसरे द्वारा एग्जीक्यूट ओनली अनुमति को फाइल एग्जांपल 1 को निर्दिष्ट करने के लिए टाइप करें चमोड़ स्पेस 751 स्पेस एग्जांपल 1 और एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस एग्जांपल 1 और एंटर प्रेस करें। हम देख सकते हैं कि ऊपर दिए कमांड से ओनर द्वारा रीड राइट एग्जीक्यूट की अनुमति, ग्रुप द्वारा रीड राइट की अनुमति और दूसरों द्वारा एग्जीक्यूट ओनली की अनुमति को फाइल एग्जांपल 1 में निर्दिष्ट किया गया है। फाइल एग्जांपल 1 को सभी यूजर्स के लिए रीड ओनली अनुमति निर्दिष्ट करने के लिए इस कमांड को टाइप करें चमोड़ स्पेस इक्वल टू r स्पेस एग्जांपल 1 और एंटर प्रेस करें। अब इस कमांड को टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस एग्जांपल 1 और एंटर प्रेस करें। अब हम देख सकते हैं कि सभी यूजर्स के लिए फाइल एग्जांपल 1 को रीड ओनली अनुमति निर्दिष्ट किया गया है। अनुमति को बारी-बारी से बदलने और सभी यूजर्स के लिए रीड और एग्जीक्यूट एक्सेस को निर्दिष्ट करने के लिए और डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी के ओनर को राइट एक्सेस देने के लिए टाइप करते हैं चमोड़ स्पेस माइनस कैपिटल R स्पेस 755 स्पेस डायरेक्टरी 1 और एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l बदलावों को देखने के लिए एंटर प्रेस करें। यूजर को फाइल एग्जांपल 2 में एग्जीक्यूट अनुमति देने के लिए टाइप करें चमोड़ स्पेस u+x स्पेस एग्जांपल 2 और एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस एग्जांपल 2 और एंटर प्रेस करें। अब हम देख सकते हैं कि यूजर को फाइल एग्जांपल 2 में एग्जीक्यूट अनुमति निर्दिष्ट किया गया है। फाइल एग्जांपल 3 को ग्रुप के लिए राइट अनुमति जोड़ने के लिए इस कमांड को टाइप करें चमोड़ स्पेस g+w स्पेस एग्जांपल 3 और एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस एग्जांपल 3 और एंटर प्रेस करें। अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप में राइट अनुमति जोड़ी गई है। राइट अनुमति को सभी यूजर्स के लिए हटाने के लिए टाइप करें चमोड़ स्पेस a-w स्पेस एग्जांपल 3 और एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस एग्जांपल 3 और एंटर प्रेस करें। यहां हम देख सकते हैं कि राइट अनुमति को सभी यूजर्स के लिए हटाया गया है।
CHGRP कमांड का इस्तेमाल एक से अधिक फाइल्स के ग्रुप को न्यू ग्रुप यानी नए ग्रुप में बदलने के लिए करते हैं। न्यू ग्रुप या तो एक ग्रुप आईडी नंबर है या फिर एक ग्रुप का नाम है जो /etc/group में स्थित है। केवल फाइल का ओनर या एक प्रिविलेज्ड यूजर अर्थात विशेषाधिकारी उपयोगकर्ता ही ग्रुप को बदल सकता है। CHGRP कमांड का सिंटैक्स इस प्रकार है, CHGRP स्पेस ऑप्शंस स्पेस न्यू ग्रुप स्पेस फाइल्स। अब टर्मिनल पर चलते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं CHGRP के। इस कमांड को टाइप करते हैं ls space -l space example4 और एंटर प्रेस करें। अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप अनुमति यूजर शाहिद के लिए है। ग्रुप अनुमति को बदलने के लिए टाइप करें sudo space chgrp space rohit space example4 और एंटर प्रेस करें। यदि आवश्यकता हो तो sudo पासवर्ड एंटर करें। अब टाइप करें ls स्पेस -l स्पेस example4 और एंटर प्रेस करें। अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप शाहिद से बदलकर रोहित बन गया है। आइनोड संख्या एक अद्वितीय पूर्णांक अर्थात इंटीजर है जो डिवाइस को सौंपा जाता है। आइनोड एक नियमित फाइल या डायरेक्टरी के बारे में मूल जानकारी स्टोर करता है। सभी फाइलें आइनोड के लिए हार्ड लिंक्स हैं। जब भी कोई प्रोग्राम नाम से एक फाइल संदर्भित करता है तब सिस्टम अनुरूपी आइनोड को उस फाइल के नाम से खोजता है। ls space -i कमांड से हम फाइल के आइनोड नंबर देख सकते हैं। इस कमांड को टाइप करें ls space -i space example5 और एंटर प्रेस करें। फाइल के पहले लिखी संख्या फाइल का आइनोड नंबर है। आइनोड्स निश्चित रूप से एक समय पर केवल एक ही एंट्री से जुड़े रहते हैं। हार्ड लिंक्स एक अकेले आइनोड से एकाधिक डायरेक्टरी एंट्रीज से जुड़ सकते हैं। ln कमांड द्वारा लिंक बनाई जाती है। ln कमांड द्वारा हार्ड लिंक बनाने का सिंटैक्स इस प्रकार है, ln स्पेस सोर्स स्पेस लिंक। यहाँ सोर्स एक मौजूदा फाइल है और लिंक वो फाइल है जो बनानी है। अब हम हार्ड लिंक्स के कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए फिर से स्क्रीन को क्लियर करते हैं। हार्ड लिंक को बनाने के लिए टाइप करें ln स्पेस example1 स्पेस example ln और एंटर प्रेस करें। अब दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर का प्रदर्शन करने के लिए टाइप करें ls स्पेस -i स्पेस example1 स्पेस example ln, एंटर प्रेस करें। अब हम देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर समान हैं। फाइल example1 का हार्ड लिंक है फाइल example ln। सॉफ्ट लिंक या सिंबॉलिक लिंक एक विशेष प्रकार की फाइल है जिसमें दूसरे फाइल या डायरेक्टरी का रेफरेंस अर्थात संदर्भ है जो एब्सोल्यूट अर्थात पूर्ण या रिलेटिव अर्थात संबंधित पद के रूप में है। सॉफ्ट लिंक को बनाने के लिए सिंटैक्स इस प्रकार है, ln स्पेस -s स्पेस टारगेट फाइल नेम स्पेस सिंबॉलिक फाइल नेम। अब हम सॉफ्ट लिंक्स के कुछ उदाहरण देखेंगे। सॉफ्ट लिंक को बनाने के लिए टाइप करें ln स्पेस -s स्पेस example1 स्पेस example soft और एंटर प्रेस करें। अब दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर और सूची का प्रदर्शन करने के लिए टाइप करें ls स्पेस -li स्पेस example1 स्पेस example soft और एंटर प्रेस करें।
अब हम देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर अलग हैं। एग्जाम्पल 1 का सॉफ्ट लिंक है एग्जाम्पल सॉफ्ट। तो इस ट्यूटोरियल में हमने लिनक्स फाइल्स एट्रीब्यूट के बारे में सीखा, जैसे फाइल की अनुमति, ओनरशिप और ग्रुप को बदलना। हमने फाइल के आइनोड, सॉफ्ट और हार्ड लिंक्स के बारे में भी सीखा। इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करती हूँ। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख अब आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।